नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों का हल्ला बोल भी जारी है, जहां पर किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच करने के लिए शंभू बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं और इससे पुलिस और किसानों के बीच में टकराव भी पैदा हो गया। वहीं सिंधु बॉर्डर पर किसानों और साथ ही पुलिस के बीच में भिड़ंत हुई है। यहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं और साथ ही टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में तीखी झड़प भी देखने को मिली। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर किस तरीके से जो किसानों का संघर्ष है वो थोड़ा कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन में तब्दील होता हुआ नजर आया है। और साथ ही सिंधु बॉर्डर की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, टीकरी बॉर्डर में भी आलम कुछ इस तरह ही नजर आ रहा था। तो कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। इतना ही नहीं, पंजाब में कुछ संगठन और विभाग के कर्मचारी भी किसानों के हित में सड़कों पर उतर आए हैं। एक और किसान अपने हक के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और वहां पर जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में किसानों के समर्थन में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तीन तस्वीरें आप देखिए, संगरूर, गुरदासपुर और भटिंडा की तस्वीरें हैं ये। संगरूर की तस्वीरें आप देखिए, किसान यहाँ पर हाथों में झंडा लेकर निकले थे। गुरदासपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन के यहाँ पर किसानों पर इस्तेमाल हुआ है। और साथ ही भटिंडा की तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेटिंग को यहाँ पर किसान तोड़ते हुए नजर आए हैं।